हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है रेडी के एक्सपेरिमेंट्स हैं थ्री, वो पढ़ाने हैं आज। थ्री एक्सपेरिमेंट्स हैं ये, मुझे मिल गए थे स्टेप बाय स्टेप एक जगह से, तो शुरू करता हूँ। वैसे आप मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ वो सुने, आपको फिर किसी भी जो है ना नोट से या बुक से याद करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर वन है। इसके प्रोसीजर में क्या है कि रेडी ने कुछ मरे हुए सांप लिए और उसको एक बॉक्स में रख दिया, बस इसमें प्रोसीजर में इतना ही है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया रेडी ने ऑब्जर्व किया कि कुछ फ्लाइज हैं जो मरे हुए जो सांप थे, डेथ स्नैक्स थे, उनके आसपास घूम रही हैं। उसके तीन दिन बाद उन्होंने देखा कि कुछ मैगोट्स हैं वो अपेयर हो गए, वो सांप की जो बॉडीज हैं उनमें कुछ मैगोट्स अपेयर हो गए। फिर उसके 18 दिनों बाद ये नोटिस किया कि वो जो मैगोट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए प्यूपा में, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है प्यूपा में, सही है। उसके बाद उन्होंने जो वो प्यूपा थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया अलग ग्लास में, और जो प्यूपा थे उस गिलास से निकाल के एक सेपरेट ग्लास में उनको कन्वर्ट कर दिया, और उस ग्लास को, उस कंटेनर को एक पेपर शीट से कवर कर दिया। उसके 8 दिन बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो फ्लाइज हैं जो उन प्यूपा से फ्लाइज इमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, और ये जो फ्लाइज जो उन प्यूपा से निकली हैं वो बिल्कुल उन फ्लाइज की तरह हैं, सिमिलर हैं, जो कि डेथ स्नैक की बॉडीज़ के आसपास घूम रही थी, उस बॉडी को विजिट कर रही थी, ये बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, सही है। उसके बाद उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला इस चीज़ का, उन्होंने ये रिजल्ट लिखा कि इट वॉज कंक्लूडेड डेट मैगोट्स आर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फ्लाइज, जो वो मैगोट्स थे और उसके बाद जो प्यूपा में कन्वर्ट हुए और जो फ्लाइज निकली वो ऑफ स्प्रिंग हैं, वो उन्हीं की औलाद हैं उन फ्लाइज की जो डेथ स्नैक की बॉडीज़ के आसपास घूम रही थी, क्योंकि जो ना उन्हीं फ्लाइज ने अंडे दिए होंगे उन डेथ स्नैक्स पर, और वही अंडे राइज अप होके मैगोट्स बने, और उसके बाद प्यूपा, और अल्टीमेटली वो फ्लाइज बन के उनमें से इमर्ज आउट हो गए, सही है। तो ये जो ना बिल्कुल उसी, ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर वन है ये इसको सपोर्ट करता है कि बायोजेनेसिस के लाइफ से ही लाइफ आती है, उन्हीं फ्लाइज ने उन डेथ स्नैक्स पर अंडे दिए होंगे, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ये बोतल इन्होंने रेडी ने इस तरीके से ओपन रख दी थी, कुछ फ्लाइज आई और उस पर उन्होंने अंडे दे दिए, सही है। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 8 बोतलें ली इस बार, और जो स्नैक्स थे उनको दो बोतलों में स्नैक्स रखे, और कुछ बोतलों में उन्होंने पीसेस ऑफ मीट रखे, गोश्त के पीसेस रखे, और कुछ बोतलों में उन्होंने डेथ फिशेस जो थी, मरी हुई मछलियाँ थी वो रखी। तो कुछ बोतलों में स्नैक्स, कुछ में मीट, और कुछ में डेथ फिशेस। फिर ही कीप 4 बोटल्स ओपन एंड 4 बोटल कवर्ड। तो उन्होंने फिर 4 बोतलों को जो ना खुला छोड़ दिया, और 4 के जो माउथ था ऊपर से उसको कवर कर दिया, जैसे कि ये बता रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं, सही है। ये सब करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ दिनों बाद मैगोट्स जो है अपेयर हुए ओपन बॉटल्स में, जो जिनके माउथ खुले हुए थे उन बॉटल्स में मैगोट्स अपेयर हो गए, और जिन बोतल के जो ना माउथ क्लोज थे, जिन्होंने जिन बोतल को रेडी ने कवर कर दिया था उनमें मैगोट्स जो है वो अपेयर नहीं हुए। तो इसका क्या रिजल्ट बना कि दिस शोज दैट फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बोतल, के जिन बोतलों को कवर किया गया था कैप से उसमें जो ना फ्लाइज एंटर ही नहीं हुई, उन मक्खियाँ उस बोतल के अंदर ही नहीं गई, इसलिए जो है मैगोट्स जो है अपेयर ही नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उन मक्खियों ने अंडे ही नहीं दिए उस बोतल में, क्योंकि वो जा नहीं सकी। पर जो कुछ वर्कर्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि जो मैगोट्स इसलिए जो है ना उस बोतल के अंदर नहीं आए या नहीं पैदा हुए, क्योंकि जो है ना एयर जो है वो बहुत ज़रूरी है एबायोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए, एयर बहुत ज़रूरी है, तो जब एयर ही नहीं जाएगी तो मैगोट्स कैसे अपेयर होंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए, जो इन्होंने ये बात करी, इसको टेस्ट करने के लिए रेडी ने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो था उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। थर्ड एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने कुछ पीस लिए मीट के, गोश्त के कुछ पीसेस लिए और उसको बोतल में रख दिया, और उसका जो बोतल का माउथ था उसको किसी कैप से कवर नहीं किया, उसे गौज से यानी जाली नुमा किसी चीज़ से उसको जो है ना कवर किया, ताकि उसमें हवा जा सके। तो हवा तो उस बोतल के अंदर जा सकती थी, पर फ्लाइज जो है ना, जो मक्खियाँ थी, वो अंदर नहीं जा सकती थी। तो ये जो प्रोसीजर करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगेन नो मैगोट्स अपीयर इन द पीस ऑफ मीट, जो गोश्त था
गोश्त के जो पीसेस थे उस पे भी जो मैगोट्स थे उनके अंडे थे वो अपेयर नहीं हुए, मैगोट्स भी अपेयर नहीं हुए। इवन आफ्टर मेनी डेज इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दे एंट्री द एंट्री ऑफ द एयर वॉज पॉसिबल, और ये भी मौजूद था कि एयर भी उस गोज के अंदर से, उस जाली से जो हवा थी उस बोतल के अंदर जा रही थी, पर मैगोट्स अपेयर नहीं हुए। तो रिजल्ट में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट जो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एविडेंस देता है, वो साबित करता है कि जो आइडिया है लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग अराइज होते हैं, यानी जानदार से ही जानदार पैदा होता है, जो बायोजेनेसिस के प्रोसेस में, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस, उस प्रोसेस में जो बताया गया है कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग पैदा होते हैं, उस प्रोसेस या उस कॉन्सेप्ट को ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है सही तरीके से ओबे करता है, उसको सपोर्ट करता है। और जो ए बायोजेनेसिस का प्रोसेस है कि बेजान से जानदार पैदा होता है, वो उसको डिसओबे करता है ये प्रोसेस। इससे ये साबित हो गया कि बायोजेनेसिस ही जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। ये उसकी एक जेना डायग्राम है कि उन्होंने किस तरीके से बोतल में को गॉज से कवर कर दिया ताकि मक्खियां ऊपर ही रहें पर हवा जा सके, ताकि वो जो साइंटिस्ट जो कहते थे उसको साबित कर सकें। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया।